بسم الله الرحمن الرحيم. طوكيو 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 عاصمة يابان، يابان يعني جاپان، عاصمة کا مطلب ہوتا ہے کیپیٹل. طوكيو جو کہ یابان کا در خلافہ ہے، ويبلغ عدد سكانها، اور اس کی جو پاپولیشن ہے اس کا نمبر پہنچا ہے. یہ جو ہا ہے، یہ ہا کہاں جا رہی ہے واپس؟ تانیہ بتاؤ، یہ ہا کہاں جا رہی ہے؟ वो जापान की तरफ, वो टोक्यो की तरफ की तरफ जा जिसकी रही है. बात इसको हाँ हाँ मदीना जो है मानस है. नहवा नहवा का मतलब होता है तकरीबन. ठीक है, नहवा का मतलब होता है तकरीबन. हवाले भी आ सकता है. आशरती मलाईन शख्सन, यानी कि मिलियन, वही मिलियन है जो कि आपका मिलियन है इंग्लिश में. और ये अशरा का मतलब क्या हो गया? 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 1 करोड़ शख्स. फितो कियो मकरुन, मकर कहते हैं, कुरान मजीद का है मुस्तकरुन. मकरुन का मतलब होता है मरकज है. अल इम्परातूर, इम्परातूर का मतलब होता है इम्पीरियल, एम्पायर का, एम्पायर. इम्परातूर का मतलब है एम्पायर, शहनशाह का. वल हुकूमा, और हुकूमत का भी. वफीहा अल मसारिफ, और इसमें बैंक है. व शरिकात, और कंपनियां हैं. व तकसुरो, और ज्यादा होती है. फी तोक्यो अल इमारात अल आलिया, बुलंद इमारतें. वक़द उन्शियत, और एस्टेब्लिश की गई है. मदीना टोक्यो, ये जो टोक्यो शहर है. सना अल्फ अरबो मिया खमसा व सबईन मीलादी, 1475 ईस्वी में इसको बनाया गया है. तवाजहु टोक्यो, टोक्यो फेस करता है, कहती है, मुश्किलातिन कसीरतन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को. मसलन अल इज्दहाम, रश. व तलव्वुस, पलूशन. व जलाजिल, और जलजले. अल काहिरा, ये तो टोक्यो की बात हो रही थी. अल काहिरा आसिमतु मिस्र, ये मिस्र का दारुल खिलाफा है काहिरा. व अकबरु मुदुनेहा, और मिस्र के सबसे बड़ा शहर है, यानी तमाम शहरों में बड़ा है. तकाओ अला नहर नील, ये दरिया नील के किनारे वाक्या है. मिस्र, याद रखिए कुरान मजीद में भी मिस्र इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मिस्रन जब इस पे तनवीन लगती है ना, तो इसका मुराद शहर होता है, कोई भी शहर. और जब मिस्र पे जेर ना हो, तनवीन ना हो, तो समझ जाए कि ये मुल्क है, मिस्र की बात हो रही है. वो यबलुगु अददु सुकानहा, और इसका पॉपुलेशन पहुंची है नहव समानियत मलाइन, 80 लाख तक. शख्सन शख्सन एक ही शहर में. फी मदीनत القاهرة कसीर मिन الآثار, मदीना काहिरा, ये जो काहिरा सिटी है, इसमें बहुत सारे आसार हैं, यानी कि पुराने इमारतें हैं, पुरानी चीजें हैं. वल मकतबात العامة, और जर्नल पब्लिक लाइब्रेरीज हैं. वतुश्तहरू, और मशहूर है. बेअन्नहा मदीनतुल माआज़िन, कि ये मीनारों का शहर है. मीनारों का माआज़िन, मीनारों का शहर है. अल्लाह अल्लाह. लिकसरती मसाजिदहा, इसके मस्जिदों के कसरत की वजह से कहा जाता है ये. व मिन तिलकल मसाजिद, और इन मसाजिद में मस्जिद अम्र इब्न अल आस, हजरत मस्जिद अमर बिन आस जो है, ये मस्जिद है. यहाँ मैंने इतकाफ किया है, पहला इतकाफ, और इतकाफ से निकलते ही मेरी मंगनी हो गई. घर फोन किया तो मैंने कहा भाई तुम्हारी मंगनी कर दी. क्यों? वो किसी और को दे रहे थे, तो हमने कहा ये हमारे बच्चे के लिए. और आज कितने सालों के बाद, आज 17 सालों के बाद मामा उससे लड़ रही है, उसी उसी बच्चे. मुझे भी नहीं करने दी. फ्रांस की शादी वहां कर रहा था, स्पेन में कर रहा था, उधर कर रहा था, इधर कर रहा था. नहीं, मेरी भांजी है ना. और अब वो भांजी जो है वो, या यार क्या लोग हैं यार, ये खवातीन कभी ठीक नहीं होती. अच्छा जी, वो मस्जिद अहमद बिन तोलून, ये मस्जिद अहमद बिन तोलून बड़ी जबरदस्त, इसके अंदर मीनार है, वो यादगारी मीनार है, खूबसूरत मीनार है, वो भी आप देख सकते हैं. और वो मस्जिद सुल्तान हसन, और मस्जिद सुल्तान हसन है, ये पुरानी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, और ओबामा ने आके यहाँ भी विजिट किया था, तकरीर की थी. वो मस्जिद मोहम्मद अली, और मस्जिद मोहम्मद अली भी है, ये साथ साथ हैं. वो मस्जिद अल अजहर, और ये मस्जिद अजहर है जो, जिसमें 1100 साल पहले जो है, जहाँ पर ये जामिया अजहर का इब्तिदा किया गया था, और आज भी उसी तरह पढ़ाई चल रही है. उसमें मदरसे का अलग सिस्टम चल रहा है,
और बाहर का यूनिवर्सिटी का अलग सिस्टम चल रहा है। वक़द असबहा और हो गया है अलआन अब जामिया इस्लामिया कबीरा, ये मस्जिद अजहर अब बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन गई है। यदरसु फीहा अल्लुगा यदरसु अल्लु फीहा अल्लुगा अलअरबिया, लुग़ा अरबिया लोग पढ़ते हैं। वो उलूम इस्लामिया और उसूलुद्दीन का है कॉलेज है जहाँ से मैंने पढ़ा। तुल्लाब मिन कुल दौल आलम, पूरी दुनिया के मुल्कों से आए हुए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये काहिरा की शहर की कुछ तारीफ कर दी। तीसरा शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अकबरु मदीनतिन फी विलायत अल मुतहिद्दा अल अमरिकिया, ये पूरा नाम है जी अमेरिका का, अल विलायत अल मुतहिद्दा अल अमरिकिया यानी यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वयूजद फीहा मकर्रुन, और इसमें मरकज है अल उमम अल मुतहिद्दा का, यूनियन क्या कहते हैं उसको, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन का। वल मसारिफ व शरिकात, और बैंक भी हैं उसमें, कंपनीज भी हैं। यबलुगु अदद सुकान न्यूयॉर्क नहवा 7 मलाइन शख्सन, 70 लाख बंदा न्यूयॉर्क में रहता है। वक़द हाजर इलैहा नास, और लोग माइग्रेट हुए हैं इसकी तरफ, मिन कुल दुवल आलम, पूरी दुनिया से, लिल अमली जॉब के लिए, व तलब अल इल्म और एजुकेशन के लिए। तकसुरु फी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में पाया जाता है ज्यादा है नातिहातु सहाब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नातिहातु सहाब यानी के वो इमारत फलक बोस, हाँ बड़ा प्यारा लफ्ज हमारे पास भी है, बहुत उर्दू में भी खूबसूरत लफ्ज है, फलक बोस इमारतें हैं बहुत ज्यादा हैं। वतवाजहु अलमदीनतु तो मुश्किलातिन कसीरा, और इस ये शहर भी इसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मिसल अलफ़क्र वलजरीमा वलमुखदरात, और इसमें एक तो गुरबत है बहुत ज़्यादा, क्राइम है बहुत ज़्यादा, और ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, ये तीन इसको प्रॉब्लम लाहक हैं इस वक्त। ये माँ तक बारा मुखदरात मुखदरात ड्रग्स को कहते हैं, ड्रग्स। तो आपको ये सारे लफ्ज आते हैं तो फिर मैं आपसे पूछूं, शाबाश, पहले आप पूछें फिर मैं ना पूछूं। ना पूछूं पूछें मिनट माँ मन मसारिफ अल मसारिफ मसारिफ का मतलब है बैंक, माँ माना सुकान पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो ये जी तलहा भाई क्लियर है सारा? ऐसे ही तुवाजे हो क्या मतलब तो वाजहू का मतलब है फेस करती है, युवाजहू तो वाजहू। वजहन से निकला है वजह जी। और हल अंदकुम सुआल, हल हुनाका अय कलिमतिन जदीदा औ सअबा, मामना नहवा नहवा यानी तकरीबन, नहवा यल्ला या हबीबती। आसिमा अशरफ से आसिम कुछ दारुल हुकूमत दारुल हुकूमत कैपिटल दार जमील, मकरन वाक्य लोकेटेड वाक्य लोकेटेड बनिया बोलो। मकर का मतलब होता है मरकज, मरकज सेंटर, ओके ये गलत हो गई। तीसरा सवाल, उनशियत तामीर का बना कायम हो दरियो तानिया कहाँ गुम हो गई है तानिया? तो ये ताकि दो गलतियां हो गई है आपकी तानिया तुम्हारी। ये उनशियत का मतलब है एस्टेब्लिश्ड, ठीक हो गया। तलहा ठीक है अब गलत है। लो भाई अब आ गए हम
तानिया से सवाल है, अकबरु मुदनेहा। अकबरो मुद्दिन शहर, इनमें बड़े से और शहर बड़ा शहर। उस बोला शाह शहर, मतलब शहर। हाँ, क्या दोबारा बोले मुनीबा? हाँ आए, हाँ की जमीर जो है ना वो उसकी तरफ जा रही है ना, बड़ा वो शहर। कहा कहरा के जो शहर है बड़े। हाँ, ठीक हो गया। तो अकबर मुद्दे हाँ का माना क्या होगा? उनमें से बड़ा शहर है। अच्छा हाँ, उनमें से ये देखो, तानिया ने अपने लिए रास्ता निकाल लिया, वरना तो इसको नहीं आता था। अब मैं आगे चलता हूँ, चलो कोई नहीं। खैर, ये माजिन क्या होता है? मीना, तानिया को ये भी नहीं आता, तीन गलतियां हो गई। मस्जिद अमर बिन आस के बारे में मैंने क्या बताया अभी फिलहाल? ये आपने तो बहुत कहानी सुनाई थी मस्जिद अमर मीनार की। मस्जिद अमर बिन आस जो है ना, ये अफ्रीका की सबसे पहली मस्जिद है जो हजरत अमर बिन आस ने तामीर की है, और वो वहां गवर्नर रहे। बहुत सारे वहां से मसाइल भी पैदा हुए, बहुत सारे अहादीस मशहूर है इस बारे में। यूएसए कैसे कहूंगा? यूएसए अरेबिक में कैसे कहूंगा? इज यूनाइटेड विलायतुल मुत्तहदातुल अमरीकिया। हाँ, ऐसे नहीं बोलना इसको। अच्छा जी, लड़की ये बताओ, नातिहात उस्सहाब क्या होता है? फलक बहुत समाटे, फलक बोस का माना क्या होता है? आसमान को छूती, मतलब बहुत बहुत बड़ी, बहुत लंबी, बड़ी आसमान को छूने वाली। बड़ी हाँ जी, बिल्कुल सही है, बुलंद बुलंद अमारा, बाला। बुलंद बुलंद बहुत अमार बहुत प्यारी बुलंद, बात की, बुलंद बाला बहुत प्यारा या लफ्ज़। एग्जैक्ट। हाँ, बहुत प्यारा लफ्ज़। अच्छा लड़की ये बताओ, मुखदरात किसे कहते हैं? ड्रग्स को फिर फकर किसे कहते हैं? क्या चीज, फकर, गरीबी और गरीबी, 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 फकर गरीबी, से निकला फकर। गरीबी, गरीबी। और ये जरीमा क्या? जरीमा जुर्म, क्राइम्स, क्राइम्स बहुत होते हैं इन शहरों में, क्राइम्स बहुत होते हैं। नाम अहसनती है बिनती अहसनती। अना हिंदी खून। यला या बिनती तर्जमी हादी इंशाल्लाह। यला यला या सारी। अज़हबु मा अबी इला मस्जिदी, मैं अपने वालिद के साथ मस्जिद जाता हूँ। नहनु नुसल्ली फिल यौमी खम्स सलावात, हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं। सलातुल फज्री रकातानी, फजर की 2 रखते। सलातुल जोहरी अरबाउ रकातिन, जोहर की 4 रखते। सलातुल असरी अरबाउ रकातिन, असर की 4 रखते। सलातुल मगरबी सलासु रकातिन, मगरिब की 3 रकते। सलातुल ईशाई अरबाउ रकातिन, ईशा की 4 रखते। अना अतवद्दाउ व उसल्ली माल जमाती, मैं वुजू करता हूँ और जमात के साथ नमाज पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे लड़की, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जरा मुश्किल नजर आएगा आपको, ये बिल्कुल कलिमात जुदा है इसके। यल्ला हबीबी, अल नमल चींटी, अल नमलू मारूफुन बिल, अच्छा नमल, अल नमल आप पढ़ रही हैं, तो क्या नून हुरफ शमसी में से है या कमरी में से है? अन्नमल पढ़ना है इसको, शाबाश अन्नमल, शाबाश। अन्नमल मारूफू बिल जिद्दा व नशाती, चींटी मशहूर है कोशिश करने में शाबाश, वेरी और नाइस, एक्टिवनेस में, क्या निशात बात है में, लड़की, चुस्ती। क्या बात है लड़की, शाबाश। यश तागिलू तूल सैफी वल खरीफी, वो मसरूफ रहती है पूरा
जो क्या बात है लड़की, क्या बात गर्मियों है, क्या बात है, और खजामोली। ये तो लग ही नहीं रहा मुझे कि आपको ये आता है, ये ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको, आपने भेजा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। लियज्मा लियज्मा पुत्ही वमिन आदति अन ओहो, यखज़ु इतना लंबा ना करो ना, लियज्मा कूत ही बताओ। लियज्मा कूती ही, वो जमा करती है कूती ही, क्या जमा करती है हाँ कोई बताएगा, लियज्मा। एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है कूतुल कुलूब, कूतुल कुलूब। ये कूत का मतलब होता है गिजा। गिजा लियज्मा कूती ही, वो अपनी अपनी गिजा जमा करती है। वो मिन आदति ही, और ये उसकी आदत है। अन यहजुनु मा यजमाहु मिन तुआमी, और उसकी आदत है कि आदत यहजुनु शहद को नहीं होती, नहीं मदा अच्छा, हाँ नहीं ठीक, है, नहीं वो इसका क्या नहीं मतलब है ठीक। यहजुनु मा माना यहजुनु यख यखजुन यखजुन यम अय यखजुना व मिन आदति, यख, देखो व मिन आदति ही, और उसकी आदात में से है अय यखजुना कि वो नहीं जमा करती है, खजाना करती है, खजाना यखजुना का क्या मतलब होता है जमा करना, खजाना। जमा करना, वो जमा करती है मा यजमाहू मिन तुआमी, जो जो वो जमा उसने करती है जमा किया होता अपने है खाने में से, खाने की जो भी चीज खाने है में, ना उसको खजाना करती है। तो जमा करती है, मतलब जखीरा करती है, जखीरा जखीरा करती करते है। हैं, शाबाश। हत्ता, यहाँ तक कि इजा मा अकबला शिताऊ, यहाँ तक कि सरमा से पहले पहले तक वो जमा करती है। हाँ ठीक है, वा आजजा अनिल अमली, वा आजजा अनिल अमली, और काम से आजिज आ जाती है, थक हाँ जाती है। जी, काम नहीं कर सकती जब, तो फिर क्या होता है। वजदा लदई कसीरम मिन तुआमी, तो फिर उसके पास बहुत ज्यादा खाना होता है। हाँ जी लड़की, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। या ये आपने ना, एक आपने मजद का पढ़ा, मुजक्कर का, फिर मुअन्नस का, अब ये दो का भी जरा पढ़ दो, शाबाश, जल्दी से। सामी व यूसुफ सदीकानी, सामी और यूसुफ दोस्त हैं। सामी यजूरु अकारिबहु, सामी जो है वो अपने रिश्तेदारों को देखने जाता है, मिलने जाता है। व युसाइदु, और उनकी मदद करता है। जीरानहु, जीरान का क्या उनके मतलब था, पड़ोसी है। पड़ोसी, पड़ोसियों। व युसाइदु जीरानहु, और अपने हमसाय की मदद करता है। यूसुफु करा किताबहु वजा करा दुरूसहु, यूसुफ अपनी किताब पढ़ता है और सबक याद करता है। सामी यजूरु यूसुफा फी मरदिही, सामी यूसुफ की ज़ियारत के लिए जाता है उस जब वो बीमार होता है। यूसुफु बरिया फहमिदा खालिकहु, यूसुफु बरिया फहमिदा खालिकहु, इसका क्या मतलब है। फहमिदा यूसुफ बरे आ, यूसुफ अपने, एक मिनट, यूसुफ यूसुफ बरिया का पता नहीं तंदुरुस्त क्या हुआ, है। तंदुरुस्त फहमिदा तंदुरुस्त हुआ। खालिकहु, हाँ और अपने खालिक की हम्द की, और उसने अपने खालिक की हम्द की, या वो करता है ऐसे ही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, फहमिदा खालिकहु, और अपने खालिक की हम्द करता है। आयशा तू व खदीजा तू जारतानी, आयशा और खदीजा क्या है, लड़की कब समझोगे तुम ये जीरान को, कब समझोगे, जीरान जीरान पड़ोसी, का दस ठीक है, दफा बताया, पड़ोसने है, जार सही हो जीरान हो, समझा करो। है। आयशा और खदीजा पड़ोसने हैं। आयशा तू तुतियु वालिदतहा व अबाहा, अच्छा तुतियु क्या करती है वो, तुतियु तुत्वी ओ क्या करती है, तुत्वी ओ इताअत पता करती था, है, ये ओबीडियंट। अतात करती है, फरमाबरदारी करती है। वालिदतहा व अबाहा, अपने आबाहा अपनी अम्मी और अब्बू की। व तुहाफिजु अला कुतुबिहा, और किताबें याद करती है, किताबों हाँ की हिफाजत करती है, और किताबों की हिफाजत करती है। खदीजा तुहाफिजु अला सलातिहा,
इत्तु हाफिज का मतलब क्या है? हिफाजत करती है, करती पढ़ती है, है, हिफाजत करती क्या है, हिफाजत करती है? हिफ्ज करती करती है, है ना, नहीं हिफाजत करती है। तु हाफिज वाला सलातिया, और अपनी नमाजों की हिफाजत करती है। वह तकूलू सआदती फी दीनी, व तकूलू सआदती, और अच्छा बोलती है। वो कहती है, अच्छा, व तकूलू सआदती, वो तकुलो और वो कहती है, अच्छा सआदती फी सआदती दीनी, दीनी, मेरी दीन में मत खुशबख्ती मेरे बोलो, दीन में है। सआदती फी दीन, ठीक है, मेरी खुशबख्ती मेरे दीन में है। व ताती खालिकी, और अपने खालिक की अतात में। क्या बात है लड़की, क्या बात है, अहसनते अहसनते या बिनती, वहादा किफायतन लना लिहादा اليوم, ان شاء الله نلتقي غدا او بعد غدا او بعد غدا ان شاء الله او يوم الاثنين ان شاء الله. غدا عندي خير، درس ولكن ربما الساعة 10 ان شاء الله، الساعة 10، هل عندكم وقت غدا الساعة 10؟ طبعا نشرة. الساعة لا 10 مولمي، لا نعم. مولمي، عندي الصف أيضا، الصف الآخر أيضا. جميل، لا بأس لا بأس إن شاء الله. طلحة، غدا عندي هذه الدعوة عندي، فربما أزور أخي هناك فأذهب إلى حفلة الزواج، لا ربما لا مشكلة، أحضر إن شاء الله، ربما يعني أنا سوف أخبركم إن شاء الله غدا، لا بأس. نعم ما في مشكلة، شكرا يا أحباب، إن شاء الله نلتقي غدا. شكرا يا منيبة، أحسنت يا حبيبتي، كل يوم إن شاء الله سوف أنتظرك إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله نعم وبركاته. يا منيبة، نعم يا منيبة.